हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ दोस्तों अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो प्रोसेस जारी की गई थी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि आपको उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने चार दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जो लेटेस्ट पीएफ पोर्टल पर नया ऑप्शन दिया था, नई सर्विस दी थी, पेंशन ऑन इडिलाई कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया था। तो इसे रिगार्डिंग एक नया लेटेस्ट अपडेट आया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पीएफ मेंबर हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के वीडियो। दोस्तों, आप देखेंगे अगर जब आप पीएफ की जो पोर्टल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखो, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ पहले आपको सिर्फ ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर दिखा देता, अब इन्होंने तीन नए ऑप्शन और ऐड किए गए। तो ये यूज कैसे करते हैं, जो ये पेंशन कैलकुलेटर है कैसे काम करना है, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप, अगर पहले आपको पेंशन कैलकुलेटर करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है, हाउ टू यूज पेंशन कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें हाउ टू यूज इडिलाई एंड पेंशन कैलकुलेटर के बारे में दिया था। इडिलाई कैलकुलेटर, इडिलाई बेनिफिट आर अवेलेबल ओनली द फैमिली मेंबर्स नॉमिनी नॉमिनेटेड बाई द मेंबर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और टू सर्वाइंग फैमिली मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द वाइलेज एन एम्प्लॉयमेंट। द मेंबर आर एडवाइज टू फाइल दियर ई नॉमिनेशन एंड अपडेट द सेम टाइमली इन केस ऑफ चेंजिंग फैमिली, सो दैट सैड इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ बेनिफिट आर पेड टू इंटेंट बाई फैमिली मेंबर नॉमिनी थ्रू ऑनलाइन क्लेम। रूल्स रिलेटेड टू द बेनिफिट अमाउंट आर ऑल्सो एक्सप्लेन फॉर द डेट ऑफ डेथ ड्यूरिंग पीरियड 8 जन 2010 ऑनवर्ड थ्रिंग ए लिंक प्रोवाइड बिलो। तो आपको पता है दोस्तों, जो इडिलाई का जो बेनिफिट है उसको फैमिली को दी जाती है। तो अगर इसमें सबसे पहले आपको एडवाइस जाती है कि जितने भी आपने अगर अभी तक अपना इनोमिनेशन नहीं किया तो इनोमिनेशन जरूर कीजिए। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। जो ये बेनिफिट है, जो बेनिफिट मिलने स्टार्ट होंगे वो जो बताया गया है 8 जनवरी 2010 से बताया गया। तो इसमें जो इनपुट डाटा है, अगर आप इसमें देखो, आपको पहले आपसे पूछेगा डेट ऑफ डेथ, तो वो आपको एनी डेट बिटवीन 1 अप्रैल 2011 और टिल डेट यूजिंग द कैलकुलेटर आपको यूज कर सकते हो। तो जो डेथ है वो 1 अप्रैल 2011 से पहले काम नहीं करेगा, 1 अप्रैल 2011 के बाद में आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड इसमें आता है एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस इन द पीएफ अकाउंट ऑफ द नंबर ड्यूरिंग द प्रीसेडिंग 12th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ सर्विस। तो ये तीन इसमें इनपुट है, वो हमें वहाँ पर इनपुट करना पड़ता है। इसमें फिर पूरा एग्जांपल के साथ आपको इसमें समझा गया, अगर आप कुछ भी कुछ समझ में आए आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े, फिर आपको डिटेल्स आपको फिल करनी। इन इफ़ द डेट ऑफ डेथ बिटवीन 1 अप्रैल 2011 टिल 28 मार्च 2021 द बेनिफिट आर आल्सो कैलकुलेटेड बेसिस ऑन वेजेस एंड द हायर अमाउंट इज पेड सी कैलकुलेशन रूल्स। इफ़ द डेट ऑफ डेथ इज ऑन और आफ्टर 29 मार्च 2021 द कंटिन्यूस पीरियड 12th मंथ्स में बी अंडर मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट। तो एवरेज वेजेस आगे इन द केस ऑफ पॉइंट अबव 3 अबव एप्लीकेशन वेन द एवरेज वेजेस द लास्ट 12th मंथ्स। तो वन द पॉइंट वन एट वर फील्ड इन एंड केस ऑफ द पॉइंट 3 अप्लीकेबल द पॉइंट 4 आल्सो फाइल्ड द कैलकुलेटर विल बी डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ बेनिफिट। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन आपको तभी ओपन होगा जब उसकी सर्विस मोर देन 12th या ज़्यादा होगी। तो ये चार ऑप्शन है वहाँ पे आपको देखो, तो आपको डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एवरेज प्रोग्रेसिव पीएफ बैलेंस, दिस इज द सम ऑफ मंथ ऑफ वाइज बैलेंसिंग ड्यूरिंग द प्रीसेडिंग 12th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 12। तो लास्ट मंथ की जो आपकी एवरेज पीएफ बैलेंस है तो आपको उसमें डिवाइडेड करना है बाई 12, तो आपका एवरेज पीएफ निकल के आ जाएगा। एवरेज बैलेंस जैसे लास्ट वही वन ईयर की जो अभी जो 9-14 से पहले थी 6,500 रुपये, अभी है 15,000, लास्ट मंथ की एवरेज निकाल के उसमें डिवाइडेड बाई 15 कीजिए तो वो आपको निकल के आ जाएगी। फिर आता है पेंशन कैलकुलेटर, द वर्जन ऑफ द पेंशन कैलकुलेटर विल गिव रिजल्ट फॉर मेंबर पेंशन केसेस वेयर द पेंशन स्टार्ट डेट इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 द ओनली अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 द बेनिफिट डिस्प्लेड ऑन वेजेस अप टू द वेजेस सीलिंग 6500 और अप टू 31 अगस्त 2014 एंड 15,000 आफ्टर द डेट। तो आपको दोस्तों सबसे पहले पता है कि जो नया रूल्स आए थे वो 1 सितंबर 2014 से आया था, जिसकी वो 15,000 वेजेस कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन, इसमें करेक्शन है, 1500 नहीं होगा, यहाँ पे 15,000 होगा। तो अगर पहले 31/8/2014 तक थी वेजेस 6
6,500 रुपये, बाद में 1914 से हो गए तो 15,000 रुपये, तो इस हिसाब से वो कैलकुलेटर किया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेंबर शुड बी ओन आफ्टर 1 अप्रैल 1953, विच मीन्स द मेंबर शुड हैव कम्प्लीट 50 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2011। सर्विस पीरियड हो गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम सर्विस। तो सर्विस पीरियड का मतलब होता है आपने कब से ज्वाइन किया था और कब आपने एग्जिट किया था। द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैन नॉट बी पीरियड 16/11/1995 एंड द डेट ऑफ एग्जिट कांट बी डेट ऑफ सुपरनेशन सुपरनेशन डेट। तो आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 16/11/1995 से नहीं, पहले की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो स्कीम थी ये नहीं बनी थी, ये 16/11/1995 से ही स्कीम लागू हुई थी। NCP 1 and NCP 2 days, द नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ सर्विस इन द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम विच द मेंबर डिड नॉट गेट वेजेस एंड सो फॉर दोज नंबर ऑफ डेज EPS कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज नॉट पेड बाई द एम्प्लॉयर। तो NCP का मतलब यह था कि आपने जितने दिन पूरी सर्विस में कितने दिन काम नहीं किया और आपको कितने दिन का जो आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो वेजेस है वो आपका जमा नहीं हुआ। जैसे आपने कभी एक महीने में 15 दिन काम किया तो 15 दिन का आपको NCP हो गया, मतलब 15 दिन को आपको वेजेस नहीं मिला तो वो 15 दिन आपका NCP में काउंट हो जाएगा। तो NCP 1 इज अप टू 31st अगस्त 2014 एंड NCP 2 इज आफ्टर 31st अगस्त 2014। तो आपको इस हिसाब से आपको यहाँ पे एंटर कर देना है उस कैलकुलेटर में। इन्हें मेंबर ऑफ हैड वर्क इन डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट कैन हैड मल्टीपल सर्विस पेंशन ऑप्टेड डेट। इन केस अगर आप पेंशन 58 साल में नहीं लेना चाहते, 58 साल से पहले ना चाहते, उसमें कुछ कंडीशंस होंगी तो आपका वो रिड्यूस रेट बढ़िया बढ़ता जाएगा। तो अगर आप डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ अटेंडिंग आप 50 ईयर एज में टिल देन डेट ऑफ यूज कैलकुलेशन। तो आपको इसमें आसानी से अपना जो पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा पेंशन के बारे में बताया कितना मिलेगा क्या नहीं। तो इसमें आपको लिखा है लास्ट पॉइंट, इफ़ द पेंशन अमाउंट इज लेस देन, अगर 1000 रुपये से बनती है तो आपको मिनिमम 1000 रुपये मिलनी है। ये विथ इफेक्टिव हुई है 1 सितंबर 2014 और पेंशन स्टार्ट डेट विच एवर इज लेटर। इसके बाद में जो भी पेंशन स्टार्ट होगी 1 सितंबर 2014 के, तो उससे मिनिमम 1000 रुपये आपको मिलनी है। इन केस ऑफ अर्ली पेंशन द रिड्यूस अमाउंट ऑफ पेंशन 4% पर एनम विल बी डिडक्ट फ्रॉम अर्ली पेंशन फ्रॉम विच ईयर फ्रॉम पर्सन फिक्स्ड एट एज 50 ईयर एज टिल दैट एज मिनिमम 50 ईयर्स फ्रॉम द अर्ली पेंशन ऑफ स्टेट। अगर आपको 58 साल से पहले अगर आप अपना पेंशन अप्लीकेबल करवाते हो, मंथली पेंशन स्टार्ट करवाते हो, तो आपको हर साल का आपको 4% के पर एनम के अनुसार आपका डिडक्ट करके आपको वो हिसाब से आपका पेंशन लगने वाली। तो ये पूरा जो इन्होंने दिया हेल्प फाइल ये बहुत ही यूज है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका इसके बारे में फिर अपना कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। फिर इन्होंने सेकंड दिया बेनिफिट अंडर इडलाई स्कीम्स। तो दोस्तों किस किस ईयर में आपको कौन कौन से इडलाई के बेनिफिट थे, क्या क्या कितना कितना बेनिफिट मिलता था, तो इसमें पूरा एक जो प्रोसेस बना रखा है जिस मदद से इस ईयर में आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इस कंडीशन में इतना बेनिफिट मिलता था। तो लेटेस्ट जो हमें पता है कि कौन कौन सा मिल रहा है, जो अभी मैक्सिमम है वो 7 लाख रुपये, तो पहले 6 लाख रुपए था, फिर अप्रैल 2021 के बाद में जो नोटिफिकेशन आया था तो 7 लाख कर दिया गया था। तो मिनिमम 2.5 लाख हो गया, पहले 1,20,000 रुपये था, फिर 2.5 लाख हुआ, फिर 7 लाख। तो पूरा कैलकुलेटर इसमें बताया गया कैसे कैलकुलेटर करना है, मैंने ऑलरेडी भी इस पर वीडियो बना रहा है कि इडलाई का कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इडलाई की पूरी प्रोसेस बता रही है, अगर सर्विस आपके किसी एम्प्लॉय के 12 महीने से कम है तो कैसे कैलकुलेटर होगा, 12 महीने के बाद है तो और ज़्यादा है तो कैसे होगा। तो पूरा कैलकुलेटर इसके आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आप चेक करके आप आसानी से डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट आता है इनोमिनेशन हेल्प फाइल। तो इनोमिनेशन हेल्प फाइल में आपको पता है कि इनोमिनेशन कैसे करना है, अगर आपके प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो जैसे इसमें फादर नेम फोन करेक्शन कर सकता है बाई एम्प्लॉयर, मेटल स्टेटस बाई मेंबर कर सकता है ओनली बाई मेंबर। तो इसमें देखो फादर नेम मतलब ए जॉइंट रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इंटाइटल बाई द मेंबर विच इन ऑथेंटिक बाई एम्प्लॉयर शुड बी सेंड टू EPFO फॉर करेक्शन। तो इसमें पूरा आपको एक फिर एग्जाम्पल के बारे में समझाया गया कि आप आसानी से समझ सको और अपनी जो भी करेक्शंस करवानी है, इनोमिनेशन में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आसानी से आप कर सकते हो। मेरिटल स्टेटस भी आप खुद चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो सिर्फ ओनली एम्प्लॉयर से करेक्शन करवा सकते हो, वो भी ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से। तो ये प्रोफाइल सेक्शन के बारे में हो गया। चेक लिस्ट बिफोर फाइलिंग इनोमिनेशन, तो रिलेशनशिप्स के बारे में बताएगा आप किसको आप नॉमिनी बना सकते हो किसको नहीं। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपको मैंडेटरी होगा कि आपको वाइफ को ही ऐड करें, ओनली अप्लीकेबल फॉर फीमेल्स मेंबर्स। तो इसमें पूरा आपको अच्छे से समझा रखा है कि किस किसको आपको नॉमिनी बना सकते हो। तो आपको अगर आप इनोमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो ये आप चार्ट जरूर देख लें। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है या आप यहाँ डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट नोट, इफ़ द मेंबर वांट टू नॉमिनी ए फ्यू फैमिली पर्सन तो ही शुड ऐड देम। इन केस द मेंबर इज मैरिड एंड हैज सपोर्ट एंड चिल्ड्रन ही शुड ऐड देम इवन इफ डज नॉट विश टू नॉमिनी देम अंडर EPF
spouse and children are defined as family for pension fund. So their name should be added in the family list. तो अगर आपके पास आपके सबसे बच्चे और आपके वाइफ हैं तो सबसे पहले उन्हें को ऐड करें, एज पर पीएफ एक्ट वही बेस्ट नॉमिनी माने जाते हैं। इसमें आपको आधार का फोटो रखना, पूरा मैंने प्रोसेस ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हैं। और अपना इन्फॉर्मेशन अगर अभी तक फाइल नहीं किया तो ज़रूर फाइल कीजिए, जिससे आपको और आपकी अगर फैमिली को बेनिफिट आसानी से मिल जाए। तो पूरा प्रोसेस इसमें बना रखा है, जितने तीन ये नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, जहाँ से आप अपना आसानी से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी मिली है, जिसके माध्यम से आप अपना जो पेंशन है, इडलाई है और इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से आप जान पाओ। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है उसके थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट।